बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। आप हमारी वीडियोस को एस्ट्रो तक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। आप हमारी वीडियोस एस्ट्रो तक के फेसबुक पेज पे जाके या एस्ट्रो तक की ऐप को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे सुनिधि मेहरा के नाम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार बात। हम सबको शौक़ होता है हम अपने घर को सजाएं, उसको और सुंदर बनाएं, उसको और क्रिएटिव बनाएं, और घर में हम जो चीज़ें रखते हैं उनका हमारी पर्सनालिटी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। आप जैसी चीज़ें रखते हैं वो आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाती हैं और आप वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना कि जो चीज़ें आपके सामने होती हैं उनका एक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, कंपनी का बहुत इम्पैक्ट होता है, जो पिक्चर्स आपके घर में होती हैं उनका इम्पैक्ट होता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी 5 पेंटिंग्स अगर आप घर में लगाएंगे तो उनका आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अब पेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको उनको बहुत महंगा फ्रेम कराना है। आप नॉर्मल पिक्चर अगर आप पेंटिंग के रूप में रख सकते हैं उनका, आप उनको कलर्ड फोटोस्टैट करवा के अपने घर में रख सकते हैं। और आप अगर खासकर इन डायरेक्शंस में लगाएंगे, डायरेक्शंस बहुत इजी है, मोबाइल पे कंपास को खोलिए आपको डायरेक्शन समझ लग जाएगी। तो आप ये अपने रूम की, आप पूरे घर में नहीं लगा सकते, आप अपने कमरे में, अपने ऑफिस में या घर में कहीं पर भी आपको ये डायरेक्शन मिलती है तो आप लगा सकते हैं। आप नहीं लगा पाएंगे तब भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान को एक ही चीज़ फिट करे ज़रूर नहीं है। किसी इंसान को कोई चीज़ क्लिक करते है, किसी और को कुछ और क्लिक करता है। तो हो सकता है ये आपके लिए अगर होगा ये वीडियो तो आपको अपने आप वो डायरेक्शन भी मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपके लिए नहीं होगा तो आपको डायरेक्शन नहीं समझ लगेगी। तो बात करते हैं पहली ऐसी पेंटिंग की। अगर आप अपने घर में ग्रीन सीनरी, अब ग्रीन सीनरी तो हर एक को देखने में अच्छी लगती है कि ग्रीन कलर भी, जैसे मैंने बहुत बार बताया हार्ट चक्रा का कलर है, प्रोस्पेरिटी का कलर है, ग्रीन कलर वैसे ही बहुत पॉजिटिव कलर होता है। तो अगर आप ग्रीन सीनरी को अपने घर में लगाते हैं और ख़ासकर उत्तर डायरेक्शन में यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में लगाते हैं तो आपके घर में जो आपका बिजनेस है, जो काम काज है, जो पैसों का जरिया है आपके घर में, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाता है। पैसों की कमी नहीं रहती, फलता फूलता रहता है घर, यानी कि जो पैसों का फ्लो एक स्ट्रॉन्ग रहता है घर में, प्रॉस्पेरिटी रहती है, प्यार मोहब्बत रहती है। तो ग्रीन सीनरी बहुत अच्छी है घर में लगाने के लिए और ख़ासकर उत्तर डायरेक्शन में। दूसरा, वाटरफॉल। अब हमें सब पता है कि पानी जब एक जगह इकट्ठा हो तो वो अच्छा बात नहीं है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। और फ्लोइंग वाटर जो है बहुत बढ़िया रहता है क्योंकि आपके लाइफ के फ्लो को इंडिकेट करता है। पानी का कनेक्शन हमारे इमोशंस के साथ भी होता है। तो वाटरफॉल, फॉल यानी कि पानी, गिरता हुआ पानी है ना, वाटरफॉल की अगर आप पेंटिंग लगाते हैं तो वाटरफॉल आपके इमोशंस को भी कहता है कि वो स्थिर नहीं है, वो उनमें एक फ्लो मजबूत है। तो जब आप इमोशंस इकट्ठे रह जाते हैं तो वो डिस्टर्बिंग होते हैं। जब उनका फ्लो रहता है, मन में कोई बात ना रहे, वो फ्लो करते रहे तो आपकी लाइफ भी स्मूथ चलती है। तो अगर आपके घर में आपको लगता है इमोशनली सब बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लड़े झगड़े रहते हैं, बहुत तनाव रहता है आपके मन में, तो आप क्या कर सकते हैं अपने घर में, अपने रूम में, अपने ऑफिस में, जो भी आपके पास कमरा है, आप वाटरफॉल की पिक्चर लगा लीजिए। और अगर आपको लगता है आप नहीं लगा सकते तो आप अपने मोबाइल पे वाटरफॉल की पिक्चर लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके इमोशंस जो है वो स्टक नहीं रहेंगे, वो एक साथ जुड़े नहीं रहेंगे, उनमें फ्लो रहेगा, इमोशनली आप खुश रहेंगे। अब सन की एनर्जी की भी बहुत बेनिफिट है। सन जब कहते हैं राइजिंग सन, खासकर सन हमारे सोलर प्लेक्सस के साथ भी रिलेटेड है। हमारी ज़िंदगी में जो ऊर्जा, नेम, फेम, इन सब के साथ सन का रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। अगर आप वैसे भी बीमार हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अगर दिन में 10 मिनट भी सन की एनर्जी ले लेते हैं, सूरज की एनर्जी ले लेते हैं, तो आपके चक्रास भी बैलेंस हो जाते हैं, लाइफ में उत्साह वापस आ जाता है। तो सूरज की किरणों का बहुत ही बेनिफिट है, पर बहुत बार लोग नहीं ले पाते। तो अगर आप सन की फोटो खासकर अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं तो सोसाइटी में आपका नेम फेम बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका जो ओहदा मजबूत होना शुरू हो जाता है, बड़े लोगों में आपका उठना बैठना हो जाता है। तो सन की आप फोटो अपने घर में ईस्ट में लगा लीजिए, अपने कमरे में ईस्ट में लगा लीजिए, ऑफिस में लगा लीजिए, ये सब पॉसिबल नहीं तो अपने फ़ोन पे लगा लीजिए सन की फ़ोटो। तो आपका जो सन का रिलेशन, जैसे मैंने बताया, हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा से भी होता है, लाइफ में मान सम्मान से भी होता है, तो आपका मान सम्मान बढ़ना शुरू हो जाता है। चौथा, आप क्या कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी सब जानते हैं, अगर ज़िंदगी में लक्ष्मी चाहिए तो माँ लक्ष्मी को तो खुश करना ही पड़ेगा। अब माँ लक्ष्मी कहते हैं, माँ लक्ष्मी खुश है तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी रहती है, मनी का फ्लो रहता है। तो माँ लक्ष्मी को आप या तो
साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपने रख सकते हैं, उनकी फोटो रख सकते हैं। आप अपने घर में लॉकर में भी माँ लक्ष्मी की छोटी सी मूर्ति रख सकते हैं, पर उनकी रोज पूजा करना भी जरूरी है। अब पांचवी जो लाइक फिफ्थ आपको फोटोज जो है आप रख सकते हैं अपने घर में या मोबाइल में या इस तरह से, तो वाइट हॉर्सेस की, भागते हुए सफ़ेद जो घोड़े हैं इनकी फ़ोटो आप घर में रखें। इसका क्या फ़ायदा है, इसको आप नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं अपने घर में। नॉर्थ वेस्ट में इसका फ़ायदा क्या है कि आपको सपोर्ट मिलता है। एक तो आपका जो फ्लो रहता है आपकी लाइफ में, आप में एनर्जी रहती है, आप भी आप में ऊर्जा रहती है, आप लेजी नहीं रहते। और दूसरा आपको सपोर्ट मिलता है, आपको या तो मनी का सपोर्ट मिलेगा या आपके पास ऐसे लोग होंगे जो आपको उठाएंगे ऊपर, तो एक सपोर्ट आपके साथ रहता है और आपकी लाइफ में जो लेजीनेस है वो आलसीपन है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये पांच तस्वीरें आप ज़िंदगी में अगर जोड़ते हैं, अपने घर में जोड़ते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम से आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।